26वीं आईनी तरमीम के मुस्बत असरात अदिया में मेरिट के जरिए तकर्री का शफाफ अमल मुकम्मल। मुजवजा आईनी तरमीम मुल्क की तारीख में एक अहम संग मील है। जस्टिस याहिया अफरीदी के बतौर चीफ जस्टिस नामजदगी मेरिट की बुनियाद पर की गई। नामजद किए गए तमाम जज साहिबान की प्रोफाइल और रिकॉर्ड का बखूबी जायजा लिया गया। बकिया दो जज साहिबान अपनी जगह नहायत काबिले एहतराम है। कानूनी माहरीन ने जस्टिस याहिया अफरीदी की नामजदगी को खुश आइंद करार दिया। फैसला पार्लिमानी कमेटी के हतमी फैसले के बाद सामने लाया गया, जिसमें तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदगी मौजूद है। जिस तरह फौज पाकिस्तान और दूसरे ममालिक में किसी भी ओहदे के चुनाव के लिए मेरिट को तरजीह दी जाती है, बिल्कुल उसी तरह जस्टिस याहिया अफरीदी का चुनाव भी मेरिट की बुनियाद पर किया गया। कानूनी माहरीन के मुताबिक आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद अदालती निज़ाम से उकरबा परवरी का तसव्वुर खत्म हो जाएगा, जबकि आईनी तरामीम की मंजूरी से अदालतों में केसेस की सुनवाई में तेजी होगी, क्योंकि आईनी और सिविल केसेस की सुनवाई अलग अलग होगी, जिससे आम आदमी को इंसाफ का हुसूल जल्द मैसर होगा।